आजाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे सियासी हालात में जो कुछ ये पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की सियासत में होता रहा, मैं समझता हूं कि आप लोग एक सीसा पिलाई दीवार बनकर हमारे साथ खड़े रहे, हमारी हिम्मत आप बताते रहे। आधा पाकिस्तान जो है वो कह रहा था कि चौधरी परवेज राय साहब कभी वजीर आला पंजाब नहीं बन सकते। आधा पंजाब जो है जिसमें आप लोग शामिल है, आप झोलियां उठा के हमारी माए बहने आप दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो। अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी की, आपको इज्जत दी, हमें इज्जत दी, चौधरी परवेज राय को इस मुकाम पर पहुंचाया। अल्लाह ताला के हम जितने भी उसके हुजूर सजदे करें, उसका शुक्रिया अदा करें, वो हमारे लिए कम है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि गुजारते आला कितने दिन की, हमारा मिशन था कि एक दफा इस मुकाम तक हमने पहुंच कर छोड़ना है, उसके बाद अल्लाह ताला पे है। एक दिन रहे, दो दिन रहे, 4 दिन रहे, साल रहे, 6 महीने रहे, जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो। अब हमने तैयारी करनी है आने वाले इलेक्शनों की। ये चीजें 3 साल बहुत हमने देखी कि मेरी गलियां नहीं बनी, मेरी सड़कें रह गई, मेरी कब्रिस्तान का रास्ता रह गया, मेरी चारदीवारी रह गई। आप भी इधर हैं, हुसैन लाई भी है, ये गलियां भी बनेंगी, ये सड़कें भी बनेंगी, ये चारदीवारियां भी होंगी, मगर सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इस MLA को हिम्मत दे, इसको हौसला दे कि ये आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत कर सके। आज हमारे MP साहब पता नहीं कहां गायब है, उन्होंने सारा बोझ MLA पे डाल दिया। हालांकि होता यह है कि जो MLA है वो MPA के परों पे उठता है, यहाँ MPA जो है वो MLA के परों के नीचे आकर बैठे हैं। जिस वक्त समुद्र में तैरने के लिए जाना हो तो बंदा हल्का फुल्का होके जाता है, ये वह तुम्हारा MLA जो पांव पे वजन पाल के समुद्र में सैर कर ले जाता है। चलो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से दे, वो भी अच्छे लोग, अच्छे लोग हैं वो, ना जान फिर मैं अपने आप ही आ जाता और नहीं करता क्या। तो जितना उन्होंने साथ दिया चौधरी परवेज राय साहब, मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग खराज तहसीन है, खास करके हमारे दोनों MPs चौधरी शिजात कुमार और अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जितना आप उनको अप्रिशिएट करें, उनका शुक्रिया अदा करें, वो कम है, क्योंकि लोग तो उनकी तरफ देखते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे MPA वजीर आला बन गए। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि आज गुजरात का बच्चा बच्चा इस बात पे फख्र करता है कि हमारे में से एक आदमी जिसने यूनियन काउंसिल लेवल से, जो आपको पता है चेयरमैन साहब बैठे हुए, कई बुजुर्ग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए जिनको पता है कि चौधरी परवेज राय साहब ने जिला कौंसिल के एक मेंबर की हैसियत से काम शुरू किया। ये दूल्हा मुड़ियावा वाले यहाँ बैठे हुए 3 यूनियन काउंसिल जहां से वो बने थे, और उस वक्त भी आपको मुझे नहीं पता कितने, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले भी मुझे मिले मैं इनके बुजुर्गों का करियर पूछता रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की खुशकिस्मती है कि जिन लोगों ने ना कभी मुझे वोट दिए ना मेरे वालिद साहब को वोट दिए, आज उनकी औलाद यहाँ बैठी है,
आज वो चैन नहीं के कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं, इनको वोट भी दे रहे हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उस दिन इनकी शमूलियत का फंक्शन था तो ऐसा लगता था जैसे पूरा इलाका वोट गया। वहाँ पर फंक्शन रखा हुआ था, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की देर होती है, किसी का सतारा होता है। शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था जो ऊंचाई की किस्मत में लिखा हुआ है। ये मलंग नहीं था बैठे, इनके साथ ही इनके हमसाए जो है चुबाने वाले कभी मजे में वोट नहीं है। आज उनके बुजुर्ग जो हमारे दुआई करते हैं ही के लिए दुआई करते, अल्लाह ताला होता है जो किसी के दिल में ये चीज डाल देता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम 50,000-60,000 वोटों की लीड से पिछला इलेक्शन जीत गए थे तो भी अपने मुखालिफ की हम जमाने से बचा रहा अभी तो ये अवाम में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन ये जितने प्रोजेक्ट्स जैन ने यहाँ पे ऐलान कर दिए ये सड़कें हम आपको नहीं बनेंगे, आपको भी दावत देंगे। आओ जाए तो ग्रेट ग्रेट शायद तो कहीं जाने में देर लगती है, देर तो लगेगी नहीं, इन्हें भी सहूलत आसान एक काम जी जी हाँ बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैंने तो हुसैन भाई को सियासत में शामिल करने के बाद अच्छा अब ना सोचा हुआ था कि मैंने जो पानी वाली सियासत है उसे रिटायरमेंट लेके अच्छा आप लोगों की वैसे ही वो पंजाबी के अंदर छोट मोटा प्रोग्राम भी रखे ऐसे मगर ये मूसा भाई ने एक बार फिर मुझे मजबूर किया है। आपसे भी दरख्वास्त है कि कुछ हल्के में कोई भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। बैठे मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं इंशाल्लाह उसने नौजवानी के इस दौर में जब वो 23 साल की उम्र में वहां की सियासत शुरू करनी उसने शुरू की थी तो उधर के बड़े बड़े जो बदमाश है बड़े बड़े गुंडे जो बने हुए थे उधर भी आप उन्हें कम था। ये जली बदमाश जली गुंडे इनकी हकीकत मैं जानता हूं, इनकी हकीकत वहां रहने वाले जानते हैं, इनकी हकीकत इनको नहीं पता जो इनके लीडर इनके घर जाके लेटे रहे हैं कि कब पंडाल में लोग भरेंगे और हम जाकर वहां खिताब करेंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाला दौर भी है उसमें जो हमारी फौज है कि हमने इमरान खान का इत्तेहादी रहे इसके साथ चल रहे इस पर अच्छा वक्त है इसके साथ है इस पर बुरा वक्त है इसके साथ है। ये हमारी खानदान की एक रिवायत रही कि जिसके साथ हमने शुरू रखी आखिरी दम तक उसका साथ दिया। मैं शुरू करूंगा जियाउल हक के साथ, अगर उसका साथ हमने दिया मेरे वालिद साहब उसके साथ रहे। वालिद साहब की शहादत के बाद चौधरी शुजात साहब चौधरी गोले साहब ये मजलिस शूरा के मेंबर बने और तब तक इसका साथ दिया जब तक इसका जहाज क्रैश नहीं हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ चले, जेलों में गए चौधरी शुजात साहब चौधरी गोले साहब, कभी इनके कौम लीडर बुलाए इसका साथ नहीं छोड़ा। ये हमें छोड़कर लंदन चला जद्दे चला गया। मैं अपने तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि इसको चाहिए था उधर वो सुरूर पैलेस में एक आध कमरा वहां ने बुक करा देता हमें भी साथ ले जाते। ये हमें यहां पर छोड़कर चला गया। हमने
एक नई जमात बने, उस जमात के सरबराह होकर मियां अज़हर साहब थे, बाद में चौधरी शुजा साहब उसके सरबराह बन गए। अब जो भी जमातों का हेरफेर हो रहा है, ये कानून जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, वोट जाने, हमारी मंजिल है हमें गुजरात के लोगों की तमीर और तरक्की की तरफ। हमने ये देखा कि वो कौन लोग हैं कि जो इस दौर में भी हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने अंदर भी खड़े हैं। और आज मैं वाजह तौर पर, क्योंकि मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने, और मैं इसका इतराफ भी करता हूं कि ये जो इतहाद हुआ था इमरान खान के साथ, उस वक्त उससे पहले कई जगहों पर मैंने इस हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद भी की, मगर जिस दिन मैंने आप लोगों को नाकाम में इकट्ठा किया था, आपसे मशवरा किया था, आप में से कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि चल साहब असी अपना पेट में रहेंगे, सानू अपनी बीवी का पता कोई नहीं, अपने बुढ़े का पता कोई, वो सारे आके लगे रहे। पीछे मुड़ने देना तो सारी हवा भी दे सकती, तो सियासतदान वो होता है कि हवा का रुख देते। फिर जब ये एक साजिश सामने आई कि इस हुकूमत को खत्म क्यों किया गया, उसके पीछे क्या वाकयात थे, तो समझने वाले समझ गए ये अब जो IMF की गुलामी है हम चले गए हैं, ये जो महंगाई हो रही है, ये जो पेट्रोल की कीमतें दर बदर बढ़ रही है, खाने पीने की एशिया बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीना बहुत हुआ, ये सिर्फ इसलिए कि इस हुकूमत ने अमरीका की गुलामी को दूर कर ली। इन्होंने कहा कि हमें जो मर्जी कर, 100 जूते सुपोते मारे, 100 जुबैर को मारे, 100 जानो शाम को सोने लगे, उस वक्त हमारे मुंह से उफ भी नहीं। हाँ एक काम करते, जरा जूते जल्दी मारा करें, बंदे ज्यादा अपने 100 जूते पहले पूरे कर। इंशाल्लाह ताला कल के हालात जो भी होंगे, इंसान को बात वो करनी है जिसमें उसमें कायम रहे। इस बात का हमें, हमने अटल फैसला किया कि हमने किसी का साथ, खास करके गांव वालों का साथ हमने नहीं छोड़ना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। आगे हालात जो है, नियत जो है वो अगले पर डिपेंड करता है। हमारी नियत साफ है, इंशाल्लाह ताला मैं, क्योंकि सहल ने सिर्फ यहाँ डेवलपमेंट की तकलीफ की है, इसमें बता हुआ कुछ ऐसी बातें भी आपसे कर ले, नहीं कोई मैं भी सुन, मैं भी सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी तरबियत का अंतर कौन सा। आज मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तकलीफ में तमाम पानी कहूँगा सहले से कि उठे कि पार्लियामेंट का मेंबर है। इस वक्त पंजाब की सियासत में चौधरी परवेज लाई, कांग्रेस लाई, हुसैन लाई, अहम करदार ला रहे, उस हवाले से वो रोशनी ला रहे, गलियां भी बन जाएंगी, नालियां भी बन जाएंगी, तबादले भी हो जाएंगे, सारा कुछ होता रहे। सब जरा उत्साह से कुछ मेहरबानी, शुक्रिया।